राज्यसभा में यूपी कोटे की 11 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि पार्टी का 11 में से 7 सीटें जीतना तय है, जबकि 8वीं सीट पर भी उसी की नज़र रहेगी। रणनीति भी इसी लिहाजे से बनाई जा रही है। भाजपा के मौजूदा 5 में से 3 सदस्य दोबारा भेजे जा सकते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्तार अब्बास नकवी के नाम भी यूपी कोटे की चर्चाओं में है। 4 जुलाई को जिन 11 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें से 5 भाजपा, 3 सपा, 2 बसपा और 1 कांग्रेस के हैं। भाजपा से शिव प्रताप शुक्ला, संजय सेठ, जफर इस्लाम, जयप्रकाश निषाद और सुरेंद्र नागर के नाम भी शामिल हैं। सुरेंद्र नागर और संजय सेठ फिर भेजे जा सकते हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि जफर इस्लाम का भी नाम रिपीट होने की सूची में शामिल है, मगर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी बीते कुछ समय से यूपी में खासे सक्रिय हैं। वे झारखंड कोटे से राज्यसभा सदस्य हैं और उनका कार्यकाल भी 4 जुलाई को खत्म हो रहा है। ऐसे में नकवी और जफर में किसी एक को भेजा जाएगा। पार्टी किसी एक ब्राह्मण चेहरे को भेजेगी। इनमें से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम प्रमुखता से चर्चाओं में है। इसके अलावा पार्टी हलकों में पुराने राजनैतिक और व्यापारिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले एक वैश्य युवा नेता को भी 8वें चेहरे के रूप में पेश कर सकती है। आपको बता दें कि इसके अलावा दलित कोटे से पूर्व सांसद प्रियंका रावत का भी नाम चर्चाओं में है। गौरतलब है कि पार्टी चेहरों के चयन में 2024 को ध्यान में रखते हुए सामाजिक समीकरणों का खास ध्यान रख रही है। यूपी से भेजे जाने वाले पैनल के नामों में से अंतिम मोहर केंद्रीय संसदीय कमेटी से लगेगी। ऐसे में कुछ चौंकाने वाले भी नाम सामने आ सकते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर 27 को दिल्ली में बैठक भी होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।